उत्तराखंड के सचिव श्री बिशन सिंह विश्वास यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे पंजाब प्रांत के सचिव श्री सुरेंद्र सिंह बाजवा जी से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया आप भी अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करेंगे। देहरादून से हमारे सचिव श्री भगवती प्रसाद मौर्या जी से मैं गुजारिश करूंगा कृपया आप स्थान ग्रहण करें। हमारे जनपद परिवहन के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह के हिसाब से मैं गुजारिश करूंगा आप यह स्थान ग्रहण करें। आज के इस बैठक की रूपरेखा इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हमारे जो है बाहर से आए कार्यकारिणी समिति का जो है स्वागत किया जाएगा, तदुपरांत दो मिनट का मौन धारण होगा और उसके बाद बैठक अपने रूपांतर आरंभ हो जाएगी। सुबेदार नरेंद्र खंडूरी साहब हैं, साहब जो है आप हमारे जो उत्तराखंड के सचिव हैं श्री बिशन सिंह साहब का हमारे यहाँ पर से स्वागत करें। हवलदार महेंद्र सिंह साहब आप हमारे पंजाब प्रांत के जो सचिव हैं सुरेंद्र सिंह बाजवा जी का हमारे यहाँ पर से स्वागत करें। मैं भारत सिंह आप जो है हमारे देहरादून के सचिव श्री भगवती प्रसाद साहब का जो है हमारे यहाँ पर से स्वागत करें। धन्यवाद साहब। और अब एक विशेष माला हमारे जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को रूपरेखा दे रहे हैं सुबेदार नरेंद्र खंडूरी साहब के लिए, और मैं जो है खुद उनको माला पढ़ने के लिए यहाँ पर गुरुद्वारा से पहुंचा हूँ। से पहुंचे हमारे सचिव पूरन सिंह साहब कृपया आए आप सभी वाले अपना होना है, और मैं जो है खंडूरी साहब से गुजारिश करूंगा कि माल्या पर से उनका स्वागत करें। गोडा से पहुंचे हमारे कोषाध्यक्ष श्री मनोहर सिंह साहब, साहब आप दो मिनट मेरा मनोहर सिंह साहब। कोटा से पहुंचे मनोहर सिंह साहब, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के दिन में जो है अपना समय निकालना हर एक को बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर हमारी जो है वीर नारी मातृशक्ति इस उम्र में श्रीमती पद्मा जी भी यहाँ पर पहुंची हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से गुजारिश करूंगा कि उनका माल्यार्पण से सम्मान करें। जो इस उम्र में यहां पर पहुंचे हैं, और अब आज की बैठक का यह कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। सर्वप्रथम बैठक की शुरुआत हमारे उन वीर महापुरुषों से और वीर शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे असम राइफल्स के इतिहास को आज स्वर्णिम बनाया और चार चांद लगाया, उनके लिए आप सभी से मैं विनती करूंगा कि अपने यथास्थान खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करेंगे। मंचा सिंह विराजित श्री नारायण सिंह विश्री राष्ट्र अध्यक्ष असम राइफल पुरुष सैनिक कल्याण संगठन,
समस्त भारत, उत्तराखंड के सचिव किशन सिंह खुस, पंजाब प्रांत से आए हमारे सचिव, पंजाब प्रांत के सचिव श्री सुरेंद्र सिंह बाजवा, देहरादून के सचिव श्री भगवती प्रसाद लोटियाल, मैं सोमन सिंह नेगी देवभूमि के माँ धारी देवी के चरणों में नतमस्तक होकर आप सबका श्रीनगर के इस क्षेत्र में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं हरि का कहते हुए अपने अध्यक्ष महोदय से श्री मोहन सिंह प्रस्ताव से गुजारिश करूंगा कि महोदय अपने विचारों से संगठन की मजबूती के लिए वह हकों की जो है लड़ाई है उसमें अग्रसर होने के लिए व साथ ही एकजुट होने के लिए वह आज तक जो कार्यकर्म हो रहे हैं उसके बारे में प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। नेगी साहब, बहुत खुशी की बात हुई आज इतने सिंहदर में देखने मिल रहा है। मंचवासी उत्तराखंड राज्य के सचिव विश्व साहब जो अरमोरा से इतनी दूर का सफर करते हुए देहरादून उत्तरकाशी टीरी आपका इतने